वेलकम टू यूनिट वन लैग्रेंजियन इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लैग्रेंजियन इक्वेशन के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका यूनिट वन है। तो इसमें जो मेन क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मेनली फिजिक्स से रिलेटेड हुए कॉन्सेप्ट्स ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स टोटली फिजिक्स से रिलेटेड है। तो जो आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली इसमें इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है। अब dr बाय dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, या r जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, यानी dr बाय dt को हम कैसे लिख सकते हैं, और r डॉट भी लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी यहाँ पे a इज इक्वल टू dt ऑफ v होता है, और वो डी डी टी ऑफ वी को हम वी डॉट से डिनोट करते हैं। सिमिलरली वी डॉट जो है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, आर डॉट ऑफ डॉट, यानी आर डबल डॉट हो जाएगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है पी, लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू एम वी, वी को हम आर डॉट भी लिख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है एम, एम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, यानी यहाँ पे आर जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, पी जो है वो लीनियर मोमेंटम होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इंटू लीनियर मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट है टॉर्क, टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। एन इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, आर क्या है डिस्प्लेसमेंट है, एफ क्या है फोर्स है, ठीक है। तो यानी ये जो डेफिनेशन है वो आपको पता होने चाहिए, सारे के सारे डेफिनेशन। लीनियर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, टॉर्क क्या है, और वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यानी अगर हमको वर्क डन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन बिटवीन वन एंड टू पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, इस फॉर्मूले से हम लोग वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये जो लीनियर मोमेंटम जो है वो लीनियर क्वांटिटी पी इक्वल टू एम बी होता है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होती है, रोटेशनल क्वांटिटी है उसकी होती है, इसलिए उसको हम एम इक्वल टू आर क्रॉस पी लिखते हैं, ठीक है। अभी जो टॉर्क है वो टॉर्क जो रोटेशन फोर्स में इन्वॉल्व होने वाले फोर्सेस है ना वो टॉर्क में यूज होते हैं। जैसे अगर आप लोग कोई इंजन देखो, ठीक है, इंजन में जो मोशन मोस्टली होता है वो कैसा होता है, टॉर्क से दिया हुआ मोशन होता है, ठीक है। टॉर्क में कैसे, इंजन में कैसे, वो बैटरीज के कुछ, बैटरी के होने की वजह से कुछ पार्ट जो है व्हीकल का वो मूव होता है, वो एक्चुअली टॉर्क फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने फिजिक्स में भी देखी होंगी, लेकिन इसमें मैथ्स में भी आपको इन सब चीजों का यूज होने वाला है। तो ये सारी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, और इनका फॉर्मूले कैसे आते हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क यानी क्या होता है, जैसे हमारा नॉर्मल वर्क होता है वैसे वर्चुअल वर्क होता है। वर्चुअल वर्क यानी जो हमारा काम है वो कुछ कुछ जो है टोटली, मतलब एग्जैक्ट रियल वर्क के बराबर नहीं होगा, लेकिन नियरली जो है वो नियर अबाउट एग्जैक्ट वर्क के बराबर होगा, ठीक है। वी डिनोट रियल डिस्प्लेसमेंट बाय डी आर एंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बाय डेल्टा आर। जो आपका रियल डिस्प्लेसमेंट अगर उसको डी आर से डिनोट करते हो तो जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का होगा उसको आप डेल्टा आर से डिनोट करोगे, ठीक है। यानी जब आप डिस्प्लेसमेंट ही रियल नहीं ले रहे हो तो काम रियल कैसे मिलेगा, वर्क रियल कैसे मिलेगा, वर्क भी वर्चुअल मिलेगा। जब डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल ले रहे हो तो वर्क भी डन भी आपको वर्चुअल ही मिलेगा, ठीक है। एंड द वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। देखिए वर्चुअल वर्क में क्या होता है कि आपको रियल क्वांटिटी नहीं मिलती है, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी जो है वो मिल जाती है। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी होने की वजह से हम उसको वर्चुअल कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल के हिसाब से कि प्रिंसिपल इज इन इक्विलिब्रियम। वर्चुअल वर्क जो है कोई किसी भी पार्टिकल का वो इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, इक्विलिब्रियम में यानी क्या होता है, सारे जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। जो हमारे फोर्सेस है, जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे उस सिस्टम पे, उस पार्टिकल पे, वो बैलेंस्ड होने चाहिए, तब हम उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजिशन कहते हैं। तो वही अगर हमारा कोई पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो कब होगा, जब हम उसका वर्चुअल वर्क लेंगे वो इक्वल टू जीरो होगा, यानी वर्चुअल वर्क इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कि वो पार्टिकल जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। पार्टिकल बोलो या फिर कोई सिस्टम बोलो, ठीक है, यानी अगर उसका वर्चुअल वर्क इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कि वो पार्टिकल जो है या फिर सिस्टम जो है वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो ये वर्चुअल वर्क की डेफिनेशन होगी, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर,
ठीक है, और डेलार जो है वो क्या है यहाँ पे, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें देखना था थ्री लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूटन के थ्री लॉज क्या कहते हैं। द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इज थ्री लॉ ऑफ मोशन पोस्टुलेटेड बाय न्यूटन, दे आर एज फॉलोज। देखिए न्यूटन के तीन लॉ है जो कि क्या बनाते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स का बेसिस बनाते हैं। ठीक है, इसी के यही तीन लॉ के ऊपर में पूरा का पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो सेट किया हुआ है। ठीक है, पहला मोशन क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं हम इसको, फर्स्ट लॉ को। ये क्या कहता है कि कोई भी बॉडी जो है वो या तो वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई नहीं करते हो तब तक। ठीक है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, कोई भी बॉडी, कोई भी चीज जो है वो क्या रहेगी, स्टेट रेस्ट में रहेगी या तो फिर मोशन में रहेंगी। कब तक, जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, यानी अगर कोई मूविंग चीज हो अगर उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तभी वो चीज स्टॉप होगी। ठीक है, या फिर कोई एक चीज रेस्ट पे है, कोई चेयर रेस्ट पे है तो वो चेयर जो खुद ब खुद मूव नहीं करेंगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उस चेयर को एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पे ना ले। ठीक है, यानी वो क्या है, हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है, वो हर एक चीज के अंदर में इनर्शिया होती है। ठीक है, जो उसको रेस्ट पे है तो रेस्ट करने के लिए मजबूर करती है या फिर मूविंग में हो तो उसको मूव करने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ न्यूटन का। नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज, सेकेंड लॉ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमारा मोमेंटम यानी क्या होता है, पी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी क्या होगा, डीडीटी ऑफ पी इज प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ डॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ डॉट आर। ये हमारा सेकेंड लॉ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीडीटी ऑफ पी इज प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी एफ डॉट आर। ठीक है, ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो इसका जो इवैल्यूएशन है वो और आगे दिया हुआ है जिससे आपको चीजें क्लियर होगी। ठीक है, थर्ड लॉ है टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये थर्ड लॉ बहुत ज्यादा फेमस लॉ है, ये लॉ जो है वो फिजिक्स के अलावा नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई होता है, हर एक एक्शन के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होना ही चाहिए, तभी जो है वो जो सिस्टम है वो स्टेबल पोजिशन में रहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इस लॉ का तो ऑब्वियसली रॉकेट है कि जब हम रॉकेट में फ्यूल में इंजन में यहाँ पे फ्यूल जब बर्न करते हैं उस इंजन फ्यूल बर्न होने की वजह से हमारा जो रॉकेट है वो क्या करता है, हमारा रॉकेट जो है वो हाई स्पीड हाई एल्टीट्यूड जो है वो ऑब्टेन कर पाता है। ठीक है, क्योंकि यहां से उसको फोर्स मिल रहा है तो फोर्स का रिएक्शन जो है वो उस अप्लाइड फोर्स का रिएक्शन जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, द सेकेंड लॉ स्पेसिफाइज द मोशन ऑफ फ्री पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी क्या होता है, पी डॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स था, है ना। तो एफ इज इक्वल टू पी डॉट लिया हुआ है, ये पी डॉट यानी लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, पी इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी होता है। ठीक है, यानी इसको आप एम इंटू आर डॉट भी लिख सकते हो, अगर आप इसको P डॉट यहाँ पे लगा रहे हो तो R डबल डॉट हो जाएगा, यानी यहाँ पे P डॉट की जगह आप M R डबल डॉट ले सकते हो। अभी M R डबल डॉट इज इक्वल टू क्या होता है, M R डबल डॉट यानी A। ठीक है, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ये आपको आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्लियर कर लेता है। ठीक है, तो वेयर M इज द मास ऑफ द पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो मास है आपका बॉडी का जो मास है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, मास चेंज थोड़ी होगा, वेरी थोड़ी करेगा। ठीक है, इसलिए मास को आप इस कंसिडरेशन में आप कॉन्स्टेंट कंसिडर करते हो। ठीक है, तो यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये आपको आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। ठीक है,
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी वी इज गिवन बाय, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर लिख रहे हो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वेलोसिटी स्क्वायर लिख रहे हो, ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, रेगुलर फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्जर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेज। अब कॉन्जर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेज किसे कहेंगे, देखिए कॉन्जर्वेटिव यानी क्या होता है, अनचेंज्ड, ठीक है, जो चीज चेंज होना इजीली अलाउ नहीं करती उसे हम कॉन्जर्वेटिव कहते हैं, ठीक है, जो इजीली चेंज एक्सेप्ट नहीं करती है वो चीजें कॉन्जर्वेटिव होती है। तो अब क्या देख रहे हैं हम, कॉन्जर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेज। अब कॉन्जर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेज किसे कहेंगे, अगर हम फोर्स का इंटीग्रल ले ले, जैसे अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, अब फोर्सेस तो अंदर से भी हो रहे हैं और बाहर से भी अप्लाई हो रहे हैं, अब इतने सारे फोर्सेस अप्लाई होने के बाद अगर हम लोगों ने इन सारे फोर्सेस का एडिशन लेके सबका सम अप करके इनका इंटीग्रल निकाला और वो सारे फोर्सेस इक्वल टू जीरो मिल रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है, दैट मीन्स कि हमारा फोर्स जो है वो क्या है, कॉन्जर्वेटिव है, क्योंकि हमने सारे फोर्सेस का सम करके उसका इंटीग्रल निकाला, सारे का सम करके इक्वल टू जीरो निकाला, दैट मीन्स कि हमारा फोर्सेस क्या है, कॉन्जर्वेटिव है, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो यानी क्या है, हमारा सिस्टम कॉन्जर्वेटिव है, इक्विलिब्रियम में है, सबका चेंज है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कि हमारा सिस्टम क्या है, कॉन्जर्वेटिव है। या तो आप इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करो, या तो फिर आप कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू जीरो प्रूफ करो, तो भी हमारा फोर्स क्या रहेगा, कॉन्जर्वेटिव ही रहेगा, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की आप देखोगे, अगर आपका फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो आप क्या करोगे, कर्ल ऑफ एफ निकाल के जीरो बताओगे, और कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स कि कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू जीरो इक्वल अगर आप बता रहे हो, दैट मीन्स कि आपका फोर्स क्या है, कॉन्जर्वेटिव है, पर यहाँ पे हमारा फोर्स क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है, और इन केस या तो आप ये प्रूफ करो कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, या तो फिर आप ये प्रूफ करो कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी है करके, तब क्या कहोगे कि आपका फोर्स जो है वो क्या है, कॉन्जर्वेटिव है, ठीक है। आई होप डेल का मतलब आपको पता होगा, डेल इज इक्वल टू होता है डेल डेल एक्स ऑफ आई, डेल डेल वाई ऑफ जे प्लस डेल डेल जेड ऑफ के, ठीक है, तो यानी आप तो ये डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करो, या तो फिर फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी प्रूफ करो, ये अगर दो चीजें आप प्रूफ करते हो तो दैट मीन्स कि आपका फोर्स जो है वो क्या है, कॉन्जर्वेटिव है। हियर वी, यहाँ पे वी जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, हाँ, मास इनटू हाइट इनटू एक्सेलरेशन, वेयर वी इज द पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द नेगेटिव साइन इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल वी होता है और यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो कन्वीनियंस के लिए लिया हुआ है, ठीक है। तो यानी इस तरीके से कॉन्जर्वेटिव फोर्सेज पे क्या आप करते हो कि आपको बस ये शो करना पड़ता है कि आपके जो फोर्सेस है उसका कर्ल आप निकालोगे तो वैल्यू जीरो आएगी, या फिर फोर्सेस जो है वो इसका इक्वल टू माइनस टाइम्स अगर डेल वी आप करोगे तो वैल्यू क्या शो करेंगे कि हमारा फोर्स क्या है, कॉन्जर्वेटिव है, या फिर आप क्या शो कर दो कि सारे फोर्सेस का सम अप इक्वल टू जीरो, सारे फोर्सेस का सम इक्वल टू जीरो शो कर दो, दैट मीन्स कि हमारा फोर्सेस जो है वो क्या है, कॉन्जर्वेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी, है ना, लीनियर मोमेंट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो जैसे हमने फोर्स का कंजर्वेटिव देखा वैसे लीनियर मोमेंट का भी कंजर्वेटिव देखेंगे, ठीक है। इफ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज जीरो, अगर सारे फोर्सेस जो है उसका सम अगर आप कर रहे हो, देखिए हमारे बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स बाहर से तो अप्लाई हो ही रहा है पर अंदर से भी तो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा ना, माइनस एफ वन, यानी इस तरीके से सारे फोर्सेस का एडिशन जब आप कर रहे हो और वो वैल्यू इक्वल टू जीरो आ रही है, इफ द फोर्स टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो देन द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, तब आप कहते हो कि आपका लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या है, कंजर्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये याद रखना है आपको कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ मोमेंटम, तो टॉर्क मैंने बताया था कि किसी भी सिस्टम में किसी भी कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जब रोटेशन मोशन परफॉर्म करता है तो उस पर क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है, ठीक है। तो वो जो टॉर्क
प्रोड्यूस होता है उस बॉडी में, उस सिस्टम में, वो किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, एन इज इक्वल टू एम डॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्वेटिव कब रहेगा? इधर टोटल टॉर्क, देखिए एंगुलर मोमेंटम कैसे बना हुआ है, टॉर्क इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम बोल रहा है, तो दैट मीन्स कि जब आप टॉर्क को ही जीरो बता दो, अगर ये टॉर्क ही वैल्यू इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, कंजर्वड है। ठीक है, इफ द टोटल टॉर्क एक्ट ऑन द पार्टिकल इज जीरो, देन द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्वड। तब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्वड है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, एन इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को आप सपोज कंसिडर करते हो एम से। ठीक है, तो अगर आप जब ये टॉर्क का वैल्यू इक्वल टू जीरो लेते हो तो इसका मतलब क्या होता है, जीरो इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एम। तब कॉन्स्टेंट, अगर डिफ्रेंसिएशन किसी चीज का जीरो आ रहा है तो दैट मीन्स कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, कॉन्स्टेंट है यानी नॉन वेरिंग है, यानी चेंज नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है यानी क्या है, कंजर्वेटिव है, है ना। तो वही कह रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी ये चीज कब फॉलो हो रही है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमें कब मिल रहा है, जब आप क्या ले रहे हो, टॉर्क को जीरो ले रहे हो, है ना। इफ द टोटल टॉर्क ऑन द पार्टिकल इज जीरो, देन द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्वड। ठीक है, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी का क्या कह रहा है, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कंजर्वेटिव, जब सारे का सारा फोर्स कॉन्स्टेंट है फोर्स कॉन्स्टेंट है, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्वड। जब फोर्स ही कॉन्स्टेंट है तो एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्वड रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू टी जीरो। ठीक है, अगर टाइम टी इक्वल टू जीरो पे हमारा कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, द पार्टिकल इज अ डिस्टेंस एक्स नॉट, पार्टिकल कौन से डिस्टेंस पे है, एक्स नॉट पे है, इट्स वेलोसिटी इज वी नॉट, वेलोसिटी क्या है, वी नॉट पे है। ठीक है, टाइम जीरो पे पार्टिकल एक्स नॉट है, वो वी नॉट वेलोसिटी पे है, तो हमें क्या बताना है, हमारा जो हमें बताना है, वी इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट प्लस ए टी, जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या रहेंगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम रहती है करके, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ टाइम्स ए इनटू टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए एक्सीलरेशन है एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये जो ये तीनों जो फॉर्मूलेज है ये आपके मैथ्स फिजिक्स के इसमें डिराइव्ड है, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये बहुत इजी है, फिजिक्स का बेसिक ही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेर वी एंड एक्स डिनोट द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर आप टी इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे आपको अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट मिल रहा है, वेलोसिटी वी नॉट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम एट टी इक्वल टू टी, जब आप टाइम टी कंसिडर करोगे तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या करेगा, एक्स नॉट से बढ़ेगा, और एक्स नॉट से कितना बढ़ेगा, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इतना बढ़ेगा, और जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट बढ़ेगी, ये आपको बताना है। ठीक, जब टाइम टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी पे जाता है तो ये चीजें इस तरीके से बढ़ती है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपके पेपर में नहीं आने वाला है, जस्ट आप तो भी रिमेम्बर होना चाहिए करके बताया। नेक्स्ट है, यहां से अब आपके पेपर का स्टार्ट होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हम क्या कह रहे हैं, देखिए अब जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस रहेंगे, एक तो इंटरनल फोर्स भी रहेगा और एक्सटर्नल फोर्स भी रहेगा। ठीक है, जैसे सपोज आप ये पार्टिकल एफ आई कंसिडर कर रहे हो, तब ये आपके जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे जो फोर्स है, अगर उस फोर्स को आप एफ आई से डिनोट करते हो तो आप ये चेक करोगे कि इस फोर्स पे, ये जो फोर्स आप कंसिडर कर रहे हो, इस पार्टिकल पे जो फोर्स कंसिडर कर रहे हो उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो आप उसको कैसे कंसिडर करोगे, देखिए आप ये देखोगे कि इस पार्टिकल पे इसका एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है इस पार्टिकल पे, और जो बाकी के पार्टिकल्स है, जितने भी जे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है,
वो सारे के सारे पार्टिकल जो है हमारे उस ये इस पार्टिकल पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये आप देखोगे, ठीक है। जे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे आयथ पार्टिकल के कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये आप नोटिस करोगे, ठीक है। तो यानी इस तरीके से आप क्या देखोगे कि आपका जो टोटल फोर्स है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन से होता है, ठीक है। देखिए, कंसीडर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल, टू डिस्कस द मोशन वी फर्स्ट स्टडी द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। तो पहले तो मोशन ऑफ पार्टिकल हम देखेंगे, पहले एन पार्टिकल्स कंसीडर करेंगे और उनका मोशन देखेंगे, से द आयथ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। अब ये आयथ पार्टिकल को हम देखेंगे, ये आयथ पार्टिकल पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ये हम चेक करेंगे। लेट इस मास बी एम आई, मास हम कंसिडर कर रहे, वेलोसिटी आर आई कंसिडर कर रहे, तो एफ आई जो है वो क्या रहेगा, टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है उस पर। अब जो टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है वो दो चीजों से एक्ट होगा, कौन सी दो चीज, एक तो पहले एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल सिस्टम से कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है और इंटरनल सिस्टम पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स जो एक्सटर्नल सिस्टम से अराइज हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स को कैसे डिनोट करेंगे, एफ आई ऑफ ई से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इंटरनल फोर्स जो है वो हमें कैसे मिल रहा है, प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल ऑन द सिस्टम, और वो जो बाकी पार्टिकल प्रेजेंट है वो इस एफ आई आयथ पार्टिकल पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ये हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे ऑप्टेन करेंगे, एफ जे आई से ऑप्टेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि जे नंबर ऑफ पार्टिकल आयथ पार्टिकल पे कैसा फोर्स अप्लाई कर रहा है ये हम देखने वाले। दैट मीन्स कि टोटल फोर्स जो है वो एफ आई इज इक्वल टू क्या है, एक्सटर्नल फोर्स प्लस सम ऑफ ऑल द जेथ फोर्सेस ऑन द पार्टिकल एफ आई, ठीक है। यानी इस तरीके से हमको क्या मिल रहा है, आयथ पार्टिकल पे अप्लाई होने वाला फोर्स मिल रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास ये बॉडी है तो अब इसका जो सेंटर ऑफ मास जो है वो इस तरीके से हो सकता है, यानी इस तरीके से जब हम एक ऐसा पॉइंट हम देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई डिस्क है उस डिस्क का सेंटर पे अगर आप ऐसा पकड़ लो तो वो डिस्क ऐसे स्टेबल पोजिशन पे आती है, वो दैट मीन्स कि ये जो स्टेबल पोजिशन पे आने वाली पॉइंट है वो क्या है, उसका सेंटर ऑफ मास है। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई पोजिशन है, कोई पार्टिकल है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो उस डिफरेंट ऑब्जेक्ट का वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उसका पूरा भार जो है वो पार्टिकल, वो बॉडी जो है वो सह सकती है, वो पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है उस बॉडी का, ठीक है। तो कंसिडर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल विद पोजिशन वेक्टर आर वन टू आर एन रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमारे जो बॉडी है उसके पास क्या है, आर वन से आर एन तक पार्टिकल्स है, तो उन पार्टिकल्स का मासेस जो है वो कैसा है, एम वन से लेके एम एन तक, ठीक है। तो पोजिशन वेक्टर है तो उसके मासेस भी हो गए, दैट मीन्स कि हम कैपिटल आर को डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है। कैपिटल आर इज इक्वल टू हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, देखिए एम वन इंटू आर वन, ठीक है, एम वन इंटू आर वन प्लस वन, ये हाथ कहां से कहां तक जाएगा, एम एन इंटू आर एन, ये सारे का सम अपॉन मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। यानी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है कि आप तो मास इंटू वेलोसिटी मास इंटू डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, पर कितने पोजीशन के मल्टीप्लाई करोगे, एनथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मास इनटू डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करोगे अपॉन आप सारे पार्टिकल का सम निकालोगे। तो दैट मींस कि ये जो क्वांटिटी आपको मिल रही है वो आपको क्या दे रही है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम दे रही है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट ये जो सम ऑफ मास है उसे आप कैसे डिनोट कर सकते हो, एम से भी डिनोट कर सकते हो। यानी ये जो m इंटू आर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एम आई आर आई होता है। यहाँ पे जो m है वो क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, ठीक है। तो यानी जो क्वांटिटी r है वो क्या है, पोजिशन वेक्टर, या फिर हम उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन होगी, वो पॉइंट जहां पे पार्टिकल जो है वो टोटली स्टेबल है। नेक्स्ट है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव्स एज इफ द एक्सटर्नल फोर्स वर एक्टिंग ऑन द मास ऑफ द सिस्टम कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि अगर आपका जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट हो, वो चेंज हो सकता है। कब चेंज होता है, हो सकता है जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करोगे, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट करोगे तब। नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। अब लीनियर मोमेंटम यानी पी इज इक्वल टू एम वी होता है, अब पी के पहले क्या आता है, डीडीटी ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है ना,
एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी होता है, तो दैट मीन्स कि अगर फोर्स इक्वल टू जीरो है तो दैट मीन्स कि लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, कॉन्जर्व होगा। यानी इस तरीके से आपको देखना है कि कोई भी चीज जो है वो कॉन्जर्वेटिव हो रही है तो कब हो रही है, जब उससे बड़ी चीज अगर जीरो है दैट मीन्स कि वो चीज क्या है, कॉन्स्टेंट है। इफ कॉन्स्टेंट है या फिर कॉन्जर्व्ड है, इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन द लीनियर मोमेंटम इज कॉन्जर्व्ड, क्योंकि एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी होता है। तो जब फोर्स ही जीरो है तब हम क्या कर सकते हैं, फोर्स ही जीरो है तो उसका मतलब क्या हो सकता है कि हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, कॉन्जर्व्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। इफ द टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, एन इज इक्वल टू एम डॉट हमने देखा था है ना, अगर टॉर्क बड़ा है, अगर ये टॉर्क ही इक्वल टू जीरो हो गया तो दैट मीन्स कि क्या होगा कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कंजर्व्ड हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड हो जाएगा। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट एनी पॉइंट ओ इज द सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास। यानी क्या कह रहा है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम का वो क्या होता है, उसके सेंटर ऑफ मास से एंगुलर मोमेंटम का सम प्लस बाकी के एंगुलर मोमेंटम का सम होते उसके बराबर होता है। ठीक है, यानी एक तो आप सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लोगे और दूसरे में आप क्या लोगे, बाकी के पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम का सम लोगे। ठीक है, तो यानी वो हमें क्या देगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम दे देगा। ठीक है, वेर वी ये दोनों एम जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पे ये एम जो है वो मास, अब एम स्मॉल एम ये मास का एम है और ये जो है वो एंगुलर मोमेंटम का एम है। ठीक है, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास जी रिलेटेड टू ओ एंड आर आई डैश इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ एम आई रिलेटेड टू जी। ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, सेंटर ऑफ मास पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो उसका सम और बाकी के जो पार्टिकल्स है उसका सम, ये पूरा टोटल सम मिलके आपका एंगुलर मोमेंटम का सम बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ द इफ द सेंटर ऑफ द मास इज इफ द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो सिस्टम का जो है वो क्या रहता है, सेंटर ऑफ मास से डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।